हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के स्टूडियो में हमारे नए मेहमान आए हैं महेंद्र कुमार जी, इनसे कुछ क्वेश्चन वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले इनके परिचय को जानने की कोशिश करते हैं, तो सर अपना परिचय थोड़ा बताएं दर्शकों को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं गंगानगर गाँव दोवाई से। तो ये राजस्थान में आपको दोस्तों पता है, सबसे राजस्थान में सबसे ऊपर दो क्षेत्र आते हैं योद्धा क्षेत्र के नाम से, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो सर ऐसे कुछ गंगानगर के बारे में बताएं जो हमें और दर्शकों को पता नहीं। दोस्तों गंगानगर वैसे बहुत बढ़िया सिटी है और उधर घूमने के लिए तो ज़्यादा कोई जगह नहीं है, पर ठीक है, पढ़ाई के मामले में भी ठीक है और अभी पानी वगैरह भी आ गया नहर का, तो अच्छा मामला। कुछ अच्छी दो बातें गंगानगर के बारे में जो राजस्थान से हटकर हो। गंगानगर में एक तो सर ये आपको पता है सब्जियाँ वगैरह बहुत होती है उधर, ठीक है, हरियाली वगैरह के आगे, और अभी गाजरों का सीजन है, गाजरों की मंडी भी उधर ठीक चलती है, और घूमने के लिए जैसे अंध विद्यालय वगैरह थोड़ी बहुत है सर। तो गंगानगर में कई चीज़ें इन्होंने बताई है, एक दो मैं भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं तो विजिट करता रहता हूँ दोस्तों इधर। तो गंगानगर में एक काफ़ी फेमस स्थान है बुड्ढा जोड़, जो सिख धर्म के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, और कहा जाता है कि अमृतसर के बाद दूसरा गुरुद्वारा जो फेमस है वो बुड्ढा जोड़ में ही है। एक लीला मजनू स्थान जो है अनूपगढ़ के अंदर, अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है लेकिन पहले ये गंगानगर में आता था। इसके अलावा यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फॉर्म है वो भी गंगानगर के अंदर दो है दोस्तों, एक सूरतगढ़ में और एक जैसर में। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट है वो भी काफ़ी फेमस। तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये गंगानगर में जो सूरतगढ़ क्षेत्र है इसको विजिट करने का कभी मौका मिला आपको? हाँ सर, काफ़ी टाइम हो गया वैसे मेरे को यहाँ रहते हुए, 2 साल हो गए लगभग कैरी कर रहा हूँ। तो वैसे बाहर तो इधर ज़्यादा नहीं घूमने गया, पर आसपास जैसे ये अपने कृषि फार्म हो गया और थर्मल प्लांट ये देख रहे थे, ठीक है, अच्छी जगह घूमने। तो दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो सूरतगढ़ है सिटी छोटी है लेकिन जो एजुकेशन में ये काफ़ी हब बनता जा रहा है। तो बड़ी बड़ी सिटियों से बच्चे जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर से, बाड़मेर से, वो अपने स्थान को छोड़ के होते हुए, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़ते हुए सूरतगढ़ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो सूरतगढ़ में सर ऐसा क्या है कि बच्चे जो है इतने ज़्यादा आकर्षित होकर सूरतगढ़ में पढ़ने के लिए आते हैं? सर यहाँ पे एक तो क्या है, पढ़ाई का माहौल थोड़ा ठीक है, काफ़ी बच्चे मतलब जोधपुर से लगभग उदयपुर तक के बच्चे भी यहाँ पे, सर मेरे साथ मेरे फ्रेंड है काफ़ी उदयपुर से आए लगभग तैयारी करने वाले, क्या कि एक तो ये भाटिया आश्रम कोचिंग सेंटर है इसकी वजह से, और कुछ और भी अच्छी क्लासेस हैं यहाँ पे जिनके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं पढ़ने के। हाँ तो ये है सर, क्योंकि सूरतगढ़ में एक तो ये भाटिया आश्रम जी अपना काफ़ी फेमस है टेस्ट सीरीज के लिए भी और सिलेक्शन भी देते हैं। इसके अलावा भी सूरतगढ़ में छोटे मोटे बहुत सारे सेंटर चलते हैं जो बच्चे आने के बाद धीरे धीरे उनमें प्रवेश कर जाते हैं। और इसके अलावा अगर सर जो बाहर के बच्चे अभी मान लो जिनने ट्वेल्थ की है वो ये सोच रहे हैं सूरतगढ़ में पढ़ने का, तो सूरतगढ़ में अगर कोई नए बच्चे आए तो यहाँ पर रहने की क्या क्या सुविधा है? रहने की सुविधा अच्छी है सर, लगभग हर जगह रूम वगैरह अवेलेबल है। तो अगर मान लो कोई बच्चा पीजी लेकर रहे, पीजी में रहना चाहे, तो क्या कुछ पोस्ट में रह सकता है परमानेंट? पीजी का जो यहाँ पे लगभग रेट चल रहा है 4500-5000 के आसपास चल रहा है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है वो भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है अच्छे से। और अगर मान लो कोई दो दोस्त या तीन दोस्त मिलकर आए रूम लेकर रहना चाहे, तो रूम का मतलब क्या पोस्ट पड़ सकता है ताकि उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहे? रूम सर 3 जनों के लिए कम से कम 2500 तक 3 जनों के लिए रूम का बंदोबस्त होगा, ठीक, बढ़िया रूम होगा। दोस्तों सूरतगढ़ के अंदर रूम का जो है वो अच्छा इन्होंने बताया सर ने, 2500 रुपये 3000 रुपये के आसपास पड़ता है, लेकिन ये भी लोकेशन के आधार पर है क्योंकि सूरतगढ़ में कई लोकेशन हैं, भाटिया आश्रम के आसपास है जो सूरतगढ़ की फेमस लोकेशन मानी जाती है, उनमें थोड़ा रेंट ज़्यादा है, आसपास में रेंट थोड़ा कम है। सर आप अब थोड़ा एजुकेशन पर आते हैं, तैयारी कर रहे सर? किसकी? सेंटर की तैयारी कर रहा हूँ, SSC की तैयारी कर रहे हैं सर, सेंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मान लो कोई नए पहली बार बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो को 12th के बाद, उनको भी लगता है SSC में, तो SSC में रिजल्ट देने के लिए या एग्जाम फाइल करने के लिए सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? सर सेंटर के अंदर तो आपको पता ही है मेन, तो जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश और हिंदी, 3-4 सब्जेक्ट तो कवर होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और जैसे जीके वगैरह, स्टैटिक जीके, ये चीज़ें तो बाद में, साइंस हो गया, साइंस वगैरह। तो मतलब सेंटर में अगर मान लो किस सब्जेक्ट पर पकड़ ज़्यादा हो कि अच्छे नंबर बच्चे जो है वो एग्जाम में ला सके, तो उसके लिए 3-4 सब्जेक्ट तो मेन है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट तो होने चाहिए और एक साइंस। उसके अलावा जैसे बाद में कोई और हर सिलेबस का जो कोई अलग वैकेंसी है उसमें अलग अलग सिलेबस जुड़ता है, जैसे किसमें कंप्यूटर आ गया तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सर ये बताएं कि ये जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे अलग अलग SSC की, रेलवे की, अभी RPF SI कॉन्स्टेबल आई हुई है, तो क्या ये आप तो यहाँ के निवासी हैं भाटिया आश्रम में ये सेंट्रल लेवल की तैयारी भी उतनी करवाई जाती है कि जितनी स्टेट की करवाई जाती है?
नहीं सर, क्या स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ आया था तब उस टाइम मेरे को सेंटर की तैयारी नहीं थी बाटिया से, अभी एक दो साल हो गया ये सेंटर की भी कुछ जैसे वैकेंसी आई है पीछे, जैसे दिल्ली पुलिस की आई थी तब इन्होंने बैच चलाया था, अभी आरबीएफ का सेंटर के अंदर रेलवे की जो भर्ती चल रही है उसका भी बैच चल रहा है बाटिया से। पहले इनका सर मेनली राजस्थान पर फोकस था, जैसे आरएस का हो गया या फिर राजस्थान की मेन वैकेंसी भी कराते थे, अब सेंटर में भी थोड़ी बहुत इनकी बैच मिलने लगी है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो दोस्तों अब आपको पता होगा कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और ये भी डिसाइड होने वाला है कि भारत में जो आगे के 5 साल है वो किसके होंगे, या गठबंधन सरकार के होंगे या बीजेपी फिर से आएगी। तो नई जो सरकार अभी आने वाली है 4 जून, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि 5 साल में वो किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वर्क करें? देखिए सर, ये थोड़ा सा क्या है कि अलग मुद्दा है, क्योंकि मैं अपनी बात रखूँगा मेरे हिसाब से सर ठीक है वैसे। मतलब युवा पीढ़ी क्या सोचती है, पढ़े लिखे बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 साल किस मुद्दे पर वर्क होना चाहिए? युवा के लिए सर वही है, एक तो रोजगार अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई के लिए थोड़े ज़्यादा मतलब सपोर्ट होना चाहिए, मतलब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये कि मेन कहने का मतलब ये है कि जितने भी खाली पद पड़े हैं सेंटर में जॉब के लिए युवा, तो यही चाहता है मेन तौर पर, तो वो पद जो है वो शीघ्र से शीघ्र भरे जाए, मतलब वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए, जो भी सरकार जो फैसले करती है चुनाव से पहले वो उतने फैसले वो पूर्ण कर दे, इतना बहुत होता है सरकार के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े थे महेंद्र जी जो सूरतगढ़ में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ मुद्दे इन्होंने आपके सामने बताए हैं। दोस्तों ये राजस्थान से, राजस्थान के श्रीगंगानगर से निवास करते हैं और राजस्थान में भी नई गवर्नमेंट बनी है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं, फिर भी इनसे थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं जो भजनलाल सर यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे नई जो सरकार बनी, उनसे क्या उम्मीद करते हो? उनसे सर यही उम्मीद है कि अच्छे, मतलब अभी काफ़ी पहले भी पीछे वैकेंसी कांग्रेस के टाइम में अटकी हुई थी, तो उनके एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अभी एक कॉन्स्टेबल का तो अभी आ गया पास में, और जैसे पटवारी वगैरह की कई वैकेंसी हैं, तो लगभग वो भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए, बस यही उम्मीद है। तो अभी तो गवर्नमेंट बनी है, बीच में 4 संहिता आ गई है, 4 जून के बाद ये वर्क करना शुरू करेंगे, राजस्थान में काफ़ी नौकरी जो है वो निकलने वाली है। दोस्तों जो भी नए दोस्त तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लगे रहे, क्योंकि अब वैकेंसियों का एकदम से भरमार आएगा और ये भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि कौन सी वैकेंसी में जाएँ और कौन सी छोड़ें, इसलिए जो अपने सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। तो धन्यवाद सर, आज आपने अपना कीमती टाइम जो है वो इस वाइट स्टूडियो के लिए निकाला है। तो हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सर यही कहना चाहूँगा, अगर तैयारी करने वाले बच्चे तो सूरतगढ़ में वैसे अच्छी तैयारी के लिए माहौल भी बढ़िया है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी सुविधा भी है, रहने के लिए व्यवस्था बढ़िया मिल सकती है। हाँ, अगर सेंटर की तैयारी करनी है सर, मैथ हो गया, रीजनिंग, ये 3-4 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, इन पर बढ़िया फोकस रखो, क्योंकि वैकेंसी का ऊपर डिपेंड नहीं रहना सर, क्योंकि सेंटर के अंदर क्या है कि वैकेंसी आ गई उसके बाद तैयारी करने के बाद मौका नहीं मिलता, तैयारी अपने को पहले से रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-1.5 महीने का टाइम मिलता है एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए बस ये तैयारी जल्दी से जल्दी अपनी कंप्लीट करें। अब जो राजस्थान से बाहर के बच्चे देख रहे हैं, मान लो वो सेंटर की तैयारी करने के लिए आते हैं या स्टेट की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो असल क्या सूरतगढ़ में ऐसी भी सुविधा है कि मतलब जो बड़े सेंटर है इसके अलावा भी लोकल कोई टीचर जो बढ़िया हो, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, ऐसे कुछ टीचर भी उपलब्ध हो जाते हैं क्या? मतलब जो बच्चे मान लो वीक हैं या जिन्होंने पहले तैयारी नहीं कर रखी अपने और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के, क्या ऐसी सुविधा भी है क्या सूरतगढ़ में? हाँ सर, ऐसी सुविधा बहुत है सर, सब भी ऐसे टीचर है जो अपने मतलब पर्सनली पढ़ा रहे हैं बच्चों को अपने घर में, पढ़ा रहे हैं घर में या कोई छोटे मोटा अलग से खुद का करके पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके पास वो ऐसे टीचरों के पास सर वही बच्चे आते हैं जिनको मतलब बड़ी भीड़ के अंदर पढ़ने का मौका नहीं मिलता या फिर उनको पढ़ाई अच्छी नहीं होती, अपने सब्जेक्ट वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए करने हैं ना, क्योंकि बड़ी कोचिंग में जैसे अभी भाटिया आश्रम हो गया और क्लासेस चलती है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा है सर, जो फ्रेशर बच्चा है जो 12वीं से 12th से निकल के आएगा उसके लिए, तो वहाँ पे जो 3-4 साल से तैयारी करें उनके साथ बैठना भी उनके लिए वो कम्फर्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी टीचर ऐसे जो मतलब पर्सनली पढ़ाते हैं मैथ हो गया, जीके, रीजनिंग, तो वहाँ कर सकते हैं बच्चे सब अलग से। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया बात बताई है सर ने कि कई बच्चे क्या होते हैं कि बड़े सेंटर का नाम सुनकर सुनकर हाथ हो जाते हैं, रूम वगैरह ले लेते हैं, पीजी ले लेते हैं, फिर कुछ क्लास लगाते हैं फिर उनके सेटिंग नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ जो बच्चे लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बैठना टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर बच्चे निराशजनक होकर वापस चले जाते हैं। तो ये निराशजनक होकर आपको वापस नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी लोकल बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने घरों में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा आपको क्लास करना है, बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, जो लोकल सूरतगढ़ के हो वो अपने को सही गाइड बताएंगे कि कौन सा टीचर द बेस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए गेस्ट को लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।